तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई, आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था ना कि आप भाई अपना इंटरव्यू से लेके ऑनबोर्डिंग तक का सारा प्रोसेस बता दो, कैसे कैसे क्या हुआ था। तो भाई, फर्स्ट टाइम ये है कि पहली बात कि मेरी जो जॉब है वो जॉब रोल है प्रोसेस एसोसिएट का, और मेरा प्रोसेस है हेल्थ केयर, ठीक है। और मैंने अप्लाई किया था, मतलब कोई मेरा नॉन एजेंट पैक्ट में उनका रेफरल लिया था। रेफरल का फ़ायदा भाई ये होता है कि जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो ना, उनसे पहले अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं इंटरव्यू की, ठीक है। तो भाई ये भी बात, बाकी उसके बाद मेरा हुआ था 15 दिन लग गए थे मुझे अपने इंटरव्यू शेड्यूल करवाने में। फर्स्ट तो उनका फ़ोन आया था कंपनी की तरफ से, जिसमें वो सारे बेनिफिट्स बताते हैं कि भाई आपको मतलब कैब मिलेगी वन साइड नाइट शिफ्ट में, बाकी आपको बताया, मतलब मुझे बताया था कि शटल भी प्रोवाइड होती है, बोटैनिकल वगैरह से सारी चीज़ कि कहाँ कहाँ पे उनके टावर्स हैं, आपकी नोएडा की लोकेशन होगी, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ये सारी चीज़। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका रिज्यूमे, हाँ भाई अपना रिज्यूमे रखना जोरदार, यहाँ पहली नज़र में ही ऐसा दिखे वो कि बंदा कह गया रिज्यूमे में जोरदार है तो बंदे में भी दम होगा, ठीक है। तो रिज्यूमे बहुत अच्छा रखना, और बाकी मेरा रिज्यूमे तो भाई हिमांच ने बनाया था जब पकड़ के बैठा हुआ है ना, अब हंस रहा है पीछे। उसके बाद आती है टेलीफोनिक राउंड के बारे में, उन्होंने पूछा कि मतलब ऐसे ऐसे आप कहाँ पे, सारा सब कुछ इंग्लिश में हुआ था कि आप कहाँ पे काम करते हो, कैसे कैसे क्या, कौन है, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दो, ये सब कुछ नॉर्मल था कि अपना इंट्रोडक्शन दो, कहाँ काम करते हो, क्यों छोड़ना चाहते हो, आपको जेनपैक में ऐसा क्या बेनिफिशियल दिख रहा है कि जो आप जेनपैक ज्वाइन कर रहे हो, ये सारी चीज़। उसके बाद उन्होंने कॉल कट होने से पहले ये बोल दिया कि अब हम आपका जूम मीट पे लेंगे इंटरव्यू। तो इसी के 5 मिनट बाद जूम मीटिंग पे मेरा इंटरव्यू हुआ कि जो सामने एचआर बैठा हुआ था जूम मीट पे उससे। बाकी उसने पूछा आप क्या क्या करते हो, मैंने कहा आई वर्क एज एन अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट की लाइन में उसने पूरा पूछ लिया मेरे से कि मतलब ये देखो कि हमने 11th में पढ़ी होती है ना अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सब कुछ कि अपना भाई और अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफली पहले ही रट लेना कि हाँ तुम 2-3-4 मिनट तक तो उसे अपना इंट्रोडक्शन ही सुनाते रहो, इतना क्वेश्चन तैयार करे, ठीक है। तो उसका भी टाइम, एक टाइम पीरियड होता है इंटरव्यू का भी, वो आप इंट्रोडक्शन में खींच दोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया। बाकी जिस चीज़ में आप काम करते हो ना, उस चीज़ की वो पूरी नॉलेज लेगा आपसे, या जो चीज़ आपने पढ़ी हो ना एज ए फ्रेशर, उस चीज़ की पूरी नॉलेज लेगा कि आपने कोर्स किया क्यों है, यही जेनपैक से रिलेटेड बताओ कि आप जेनपैक ज्वाइन क्यों कर रहे हो, ठीक है, ये सब कुछ। भाई रहने दे, क्यों स्नैप बना रहा है यार, ठीक है। तो उसके बाद मेरा जैसे मानो 4 जून को मेरा हुआ था इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के नेक्स्ट डे मेरे पास मेल आ गई थी कि वी आर हाईली इम्प्रेस विद योर इंटरव्यू, सो यू आर शॉर्टलिस्टेड, कि वी आर के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, मतलब आप हायर हो चुके हो। तो उसके बाद जो मेरा प्रोसेस था, मेरी रिक्रूटर का उसमें फ़ोन आया था कि हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है। उसमें क्या होता है कि आपको एक वो मेल भेजती है, उस मेल में आपको अपनी बैठे हुए, जैसे अभी मैं बैठे हुआ ना, बैठे हुए ऐसे फ्रंट से सेल्फी और आधार कार्ड की आगे से पीछे से PDF फॉर्म में वो मेल करनी होती है फ़ोटोज़। उसके बाद जूम मीट होती है, एक जूम मीट को आपको बताते हैं कि आपको आधार कार्ड ऐसे, जैसे अभी है मेरे हाथ में आधार कार्ड है, फ्रंट साइड से ऐसे लेके बैठना है जूम मीट में उनके सामने, वो उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं आपसे, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट डे फिर उनका फ़ोन आया कि आपको ना सैलरी डिस्कशन के लिए इनवाइट कर रहे हैं, हम आपको एक जूम मीट भेजेंगे, जूम मीट की लिंक भेजेंगे, तो उस पर आप ज्वाइन कर लेना। तो भाई वो पूरा प्रोसेस चलता है सैलरी डिस्कशन का। तो भाई मेरे से सैलरी डिस्कशन में क्या गलती हो गई थी, आप मत करना, कि जो उन्होंने पैकेज बोला ना स्टार्टिंग में, मैं उसी पर हाँ कर गया। बाकी मेरा 1,00,000 रुपये तक और बढ़ता पैकेज, पर मैं स्टार्टिंग में हाँ कर गया ना, तो वो मेरा वो लॉस हो गया थोड़ा। आप मत करना भाई, आप पूरा अपना कैलकुलेट वगैरह करके उनसे थोड़ा बोलना कि हमारा इतना एक्सपेंस लग जाएगा आने जाने का, फिर हम रेंट पे भी रहते हैं या कुछ भी, जो भी आपके हैं उन्हें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना कि हमारे इतने एक्सपेंसेस है, प्लीज़ थोड़ा और आप बढ़ा दीजिए, तो बढ़ा देते हैं श्योरली, क्योंकि उसमें भाई HR का फायदा होता है कि हाँ उन्होंने कम बजट पे एक एम्प्लॉय हायर कर लिया, ठीक है। बजट उनका ज़्यादा होता है पर वो कम पे ही आपको मनाएंगे, तो आप ज़्यादा रखना अपना, ठीक है। अब उसके बाद भाई जो इंटरव्यू होता है ना, जो मेरा स्टार्टिंग में इंटरव्यू हुआ था, वो पूरा होता है इंग्लिश में, क्योंकि अभी मेरे पास एक भाई का मैसेज आया था, वो कह रहा था भाई कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्या मेरा हिंदी में हो सकता है। भाई आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, हाँ बीच बीच में आप ये कर सकते हो कि जहाँ आगे की आप इंग्लिश भूल गए वहाँ आप हिंदी में स्विच कर जाओ, वो लाइन बोलने के बाद आप फिर दोबारा इंग्लिश में आ जाओ,
कॉन्फिडेंट इतने रहना कि हाँ एचआर को लगे कि बंदे को इंग्लिश आती है, वो कर रहा है सही, ठीक है, उसे डाउट मत होने देना कि हाँ ये मतलब बीच बीच में भूल रहा है या तुम रुक गए बोलते बोलते आगे तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई हिंदी में स्विच हो जाना इंग्लिश से, फिर हिंदी से दोबारा से इंग्लिश में आ जाना, ठीक है। तो उसके बाद भाई सैलरी डिस्कशन के बाद जो मेरा राउंड आया वो आया डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का, जिसमें मैंने क्या क्या किया था, 12th की मार्कशीट और शायद 10th की भी मार्कशीट, अपनी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो, आधार कार्ड अनमास्क्ड अनप्रोटेक्टेड, और वो डाउनलोड होना चाहिए विद इन 1 month, ठीक है, कि जिसमें पूरा नंबर भी दिखे और वो प्रोटेक्टेड ना हो। और क्या था, आपका एक्सपीरियंस लेटर पिछली कंपनी में जहाँ पे आप काम करते हैं उसका एक्सपीरियंस, बाकी आप फ्रेशर है तो आप उसे छोड़ भी सकते हो, और बाकी आपका एक रिलीविंग लेटर कि हाँ आप वहाँ से रिज़ाइन दे चुके हो, आपको रिलीविंग लेटर मिल चुका है, बाकी आप जाओगे ना ऑनबोर्डिंग वाले दिन तो आपको 60 डेज की टाइमिंग देते हैं अपलोड करने की ये डॉक्यूमेंट्स, आप उन्हें पहले भी कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप ऑनबोर्डिंग वाले दिन जाके बोल देना कि हमारे पास नहीं है पर हम 60 डेज के अंदर अंदर अरेंज करके अपलोड कर देंगे, वो आपको सेपरेटली एक मेल आईडी दे कंपनी की, आप उसमें जाके अपने डॉक्यूमेंट्स 16 डेज से पहले पहले अपलोड कर देना, वरना बाद में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद भाई, हाँ, और दूसरा क्वेश्चन ये कि इन्होंने पूछ रखा क्या वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने आते हैं। भाई मेरे केस में आए थे वो, पूरा लेटर लेके आए थे कि हाँ आशुतोष इतनी सैलरी पे काम करता था या नहीं करता था, 18 मंथ्स तक काम किया नहीं किया है, उसका बिहेवियर कैसा था, उसका काम कैसा था, काम अच्छे से करता था नहीं करता था, ये सब कुछ वो वहाँ से पूरा लिखवा के लेके गए हैं, स्टैम्प साइन लेके गए हैं वहाँ से, ठीक है, जहाँ मैं पहले काम करता था। और भाई एक्सपीरियंस आप कोशिश करना कि आप रखो 1 साल से ज़्यादा का, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है भाई। और जेनपैक्ट में क्या करते हैं सब, कि सब बोलते हैं कि जेनपैक्ट कम पैकेज पे हायर करता है, भाई करता है, जेनपैक्ट एक प्रेस्टीज कंपनी है, उनका ऑन पेपर्स एक्सपीरियंस भाई बहुत मायने करता है। हमारे जो सीनियर्स हैं ना वही बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ का MT है ना, मैनेजमेंट ट्रेनी, वो यहाँ से रिज़ाइन दे के अगर दूसरी कंपनी में जाए तो वो असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्ट हायर होता है वहाँ पे, और डबल हाइक लेके जाता है यहाँ से, ठीक है। तो अब भाई मेरा ये मानो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था, उसी बीच मेल्स आई, मेरे TY DY एक इनकी होती है पोर्टल, वहाँ पे मेरी ID क्रिएट हुई, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कि जैसे आप Gmail का अकाउंट क्रिएट करते हो ना, वैसे ही आपको वहाँ पे अपनी वो ID क्रिएट करनी है, वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से पहले, ठीक है। तो भाई अब उसके बाद TY DY पे कुछ ट्रेनिंग्स होती है, वो ट्रेनिंग्स भी कर लेना कि हाँ उसमें वीडियोस वगैरह होते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, वो वीडियोस वगैरह कुछ नॉर्मल होती है, बस देखते रहना करते रहना, ठीक है, उसके कुछ मार्क्स वार्क्स नहीं लगते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, वो आप कर लेना। उसके बाद भाई मेरा आया था जैसे आपका क्या कहते हैं सैलरी डिस्कशन हुआ, उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की मेल आई, उसके बाद क्या कहते हैं मेरा 2 दिन छोड़ के मेरा लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब ऑफर लेटर मेरा मेल के थ्रू आ गया था। तो आपके साथ ये भी होगा जो मेरे साथ हुआ था, कि आपकी TY DY पे कुछ और ज्वाइनिंग डेट दिखाएगा और ऑफर लेटर में कुछ और ज्वाइनिंग डेट दिखाएगा, तो आप जो ऑफर लेटर में लिखी हुई है ना, आप उसी ज्वाइनिंग डेट पे जाना कंपनी में, मतलब अपने टावर पे जहाँ भी आपको बुलाया ऑन लोकेशन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए, और उसमें मेरा आ गया था सैलरी डिस्कशन के 2 से 3 दिन बाद ऑफर लेटर आ गया था। मतलब ये मानो कि जैसे मैंने आपका 20 मई को मैंने रेफरल लिया था, मेरा आपका क्या कहते हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल हुआ 4 जून को, उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस था वो हुआ 21 जून को, इस बीच ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आप पे मेल्स वगैरह आती रहती हैं, ठीक है। तो भाई अब आप जाओगे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वाले दिन, तो आपको क्या क्या लेके जाना है, आप भाई लेके जाना अपना PDF फॉर्म में लेके जाना सब कुछ, अगर हाँ, और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से और ऑफर लेटर के बीच में आपके पास कॉल्स भी आएंगी, पर वो आनी अब बंद हो गई, वो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए होती है, तो आप अपना बैंक अकाउंट सैलरी अकाउंट ओपन करवा लेना, बाकी नहीं भी करवाओगे ना तो आप अपनी 4 फोटो ले जाना, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वाले दिन, वो वहीं हाथों हाथ आपको अकाउंट खोल के दे देंगे। 3 अकाउंट खुलते हैं, मतलब 3 में से कोई एक खुलवा सकते हो, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक, ठीक है। तो भाई अब बात हुई, आप 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना, आपको हाथों हाथ आपका अकाउंट खोल देंगे,
आपकी चेकबुक दे देंगे, पासबुक दे देंगे, ठीक है। और जिसका पहले से है, जिसका पहले से सैलरी अकाउंट खुला हुआ है इन तीन बैंकों में, वो भाई अपना क्या कहते हैं अकाउंट नंबर वगैरह IFSC वगैरह नोट कर लेना। जब आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो जाएगा उससे अगले दिन जब आप फ्लोर पे जाओगे ना, अपने सीनियर से मतलब जो आपका CRT होगा, मैनेजर होगा, उनसे बोल के, इनकी एक साइट होती है ओरेकल पेरोल, ओरेकल पेरोल पे वो बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करवा लेना 15 महीने की 15 तारीख से पहले पहले करवा लोगे तो सैलरी आ जाएगी, वरना अगली 15 तक आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब आप जाओगे भाई ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए, तो आपको क्या ले जाना है, आधार कार्ड मैंने बता दिया जैसे अभी कि अनमास्क एंड अनप्रोटेक्टेड, एक्सपीरियंस लेटर PDF में, रिलीविंग लेटर PDF में, और हो सके तो ज्वाइनिंग लेटर भी प्रीवियस कंपनीज के जहाँ पे आपने काम किया है उनके रख लेना। और हाँ, फ़ोन की करके जाना, फुल बैटरी कहीं यूज़ मत करना भाई, आते हुए आपने आधी खर्च कर दी गेम खेलते हुए गाने सुनते हुए, बचा के रखना, क्योंकि आपका क्या होगा, सारा प्रोसेस फ़ोन पे होता है। जो भी आपकी ऑनबोर्डिंग होती है ना वो वर्चुअली होती है, वर्चुअल पहले साइन होते हैं उन पे आपके गूगल क्रोम पे। और सिम भाई लेके जाना वोडाफोन की या एयरटेल की, जियो की वहाँ नेटवर्क ही नहीं आते, चलती ही नहीं है। वोडाफोन और एयरटेल भाई, इन दोनों की सिम का नेट में रिचार्ज करके ले जाना, नेट का रिचार्ज करके ले जाना, यही वहाँ पे आपको बेनिफिट देगी। फ़ोन की बैटरी रखना भाई पूरी फुल, ठीक है। और आपका वहाँ पे जो वो करवा रहे हैं ना उसी के साथ सब कुछ करते रहना, जो वो बोल रहे हैं वैसे वैसे अपना करते रहना। और उसके बाद बस आपको वहाँ पे लैपटॉप मिलेगा। मतलब ये मानो कि मुझे 11 बजे बुलाया था ना, 10 या 11 बजे बुलाया था, तो मैं 6 बजे वहाँ से फ्री हुआ था, क्योंकि जो उनके लैपटॉप कॉन्फिगर होते हैं ना आपके हिसाब से वो बहुत टाइम लगाते हैं। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का तो टाइम 2.5 घंटे का है बस, जो आपसे साइन वगैरह करवाएंगे कमिटमेंट लेटर्स पे, आपके ऑफर लेटर पे साइन वाइन करवाएंगे, पहले आपसे करवाएंगे फ़ोन में गूगल क्रोम पे वहाँ पे, ठीक है। फिर आपसे करवाएंगे मैन्युअली भी साइन करवाते हैं पूरी फाइल्स पे। आपको देंगे पहले आईडी कार्ड पहले आपको मिलेगा वाइट पट्टी में टेम्प्ररी, फिर उसी के बीच में जब आपकी वो हो जाएगी ना ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस हो जाएगा, जब आपको लंच ब्रेक पे भेजेंगे तो आप भाई, हाँ, और लंच ब्रेक से याद आया भाई, मैं तो भूखा रह गया था। वहाँ पे इनकी ऐप है गो खाना, और 7th फ्लोर का भाई खाना भी अच्छा नहीं है। आप कोशिश करना कि आप बाहर से ही बाहर, भाई मैगी वाले, गोलगप्पे वाले सब खड़े रहते हैं बिल्डिंग से बाहर ही, 1 घंटे का टाइम होता है, आप आराम से जा सकते हो, आराम से अंदर आ सकते हो, ठीक है, वहाँ से खा पी लेना। बाकी आपको 7th फ्लोर से ही खाना है तो भाई गो खाना ऐप डाउनलोड कर लेना, पेटीएम या गूगल पे में पैसे रखना, ठीक है, वहाँ से खा लेना। और उसी दौरान आपको अपने आईडी कार्ड्स कलेक्ट करने हैं, जैसे मैं पहन के रखता हूँ ना ब्लू वाला, जैसे ब्लू स्ट्रिप होती है वो आपका होता है परमानेंट, ठीक है, तो आपसे वाइट वाला ले लेंगे, आपको ब्लू वाला दे देंगे। और उसके बाद भाई जैसे मेरे केस में था कि मैं तो अगले दिन से ही ज्वाइन कर लिया था, डेली आना स्टार्ट कर दिया था। बाकी जो मेरे साथ का एक दोस्त था जिससे मेरी वहीं पर ही बात हुई थी, वो आया था, 1 महीने तक उसका वर्क फ्रॉम होम ही था। मतलब जैसे कोई आपने देखी होगी वीडियोज़ भाई, मतलब शुरू के 3 महीने तो बहुत मौज है, दिन में 1-1.5 घंटा ट्रेनिंग होती है ये वो, मेरे साथ भी था, दिन में 1-1.5 घंटा होती थी, पर मैं ऑफिस जाता था, बाकी टाइम अपना घूमते रहते थे भाई। क्योंकि शुरू में तो वो भी अलाउड करते हैं मैनेजर्स भी कि हाँ आप एक्सप्लोर करो पूरे फ्लोर्स को, कंपनी को, कैसे कैसे कहाँ पे क्या है, बाहर क्या है, अलाउड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग के टाइम पे बस अपना बैठ जाना, ठीक है। तो ये थी मेरी जर्नी, मतलब टोटल मुझे 1 महीना लग गया था और 1 महीने में सारा प्रोसेस मेरा हो गया था। बाकी बात रही भाई अब की, अब आ रहे हैं कि यार मतलब मेल नहीं आ रही इंटरव्यू के बाद, भाई मास हायरिंग हो रही है जेनपैक्ट में भर भर के। मैं जाता हूँ ना 7th फ्लोर में, मैं देखता हूँ पूरा फ्लोर भरा रहता है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का डेली। तो इसलिए भाई जहाँ मेरा शेड्यूल हुआ 15 दिन बाद इंटरव्यू, वहाँ भाई आपको 1.5 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेरी कहानी जेनपैक्ट की भाई। बाकी आपको और कुछ क्वेश्चन होंगे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, इंस्टाग्राम में भाई हैंडल आपको अभी देखो सामने दिख जाएगा, _ASHU_PANWAR_, ठीक है, ये मेरा है भाई इंस्टाग्राम का ID। तो आप वहाँ पे भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछोगे तो भाई फॉलो कर लेना, आप भाई क्वेश्चन पूछ के चले जाते हो, फॉलो नहीं करते, ठीक है। और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब जो आगे होता है आपको दिखाते हैं, दूसरे रूम में चल रही है गेमिंग, दीपांशु भाई फिर से आ रहे होंगे, चलो दीपांशु भाई को किल्स आने। फिर तूने बोल दिया ना कि भाई मुझे मत लिया कर बनियान में।
भाई मैं नहीं खेलने दूंगा, बहुत देर से खेल रहे हो तुम दोनों। कौन हार रहा है ये बताओ पहले। दीपांशु भाई हारते हुए ये रिमोट बहुत भाई बंदे को इतना डाउट है हारने पे, भाई रिमोट ही बदल लेता है कि तेरे वाले रिमोट में कुछ ठीक है मेरे में खराबी है फिर भी हारता है। देख 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 भाई लोग दीपांशु का दूसरा गोल लगते हुए भाई गोल देख गोल पहले लगी पोल पे वापस आ गई तेरी पैस की यार कुछ कुछ लगे गोल के कार्तिक की तो पत्ता क्यों बना दी भाई। पूरा कुछ है भाई दीपांशु, मैं बंदे की लॉटरी लग जाए ना 2 करोड़ की, जब इतना खुश नहीं होगा जितना एक गेम खेल के हो गया। पिछले मैच में हाँ में जाना मैंने शूट करी भाई रिमोट के लिए लड़ रहे हैं दोनों। अबे यार ये बहुत रोता है भाई, मतलब मैच जीत गया अभी भी रिमोट नहीं दे रहा। अभी देख अभी मैच, अरे तू तो इतनी देर से खेल रहा है, दे दे अभी मैच चल जाएगा ले यार फिर दूंगा रिमोट ले ले। हां अबे पर यार दीपांशु भाई फिर से हारते हुए, पिटाई लग रही है दीपांशु की। ये व्हाइट वाला हिमांशु है आओ भाई भाई जो मर्जी कर ले भाई भाई डॉग है अलग ही कर रहा था ये कुछ नया। भाई मांचू ने तीनों को हरा दिया, दीपांशु को भी मुझे भी और कार्तिक को भी। अब कार्तिक की दोबारा बारी आई है। ओए ओए दीपांशु की फिर से बत्तख बनते हुए भाई खा गया कार्तिक दीपांशु को। अब सीरियस हो गया भाई। खत्म ही कर दिया भाई, परफेक्ट मारी है दीपांशु में तो भाई कार्तिक। बाहर बाहर क्या घूम घर जा रहा है ना भाई। नहीं भाई कार्तिक ने बत्तख की बना दी दीपांशु। चलो आओ भाई कार्तिक को छोड़िए जरा ज्योति नगर तक। पकड़ा दे एक बार इसका, पकड़ना अंकल से एक बार पकड़ अच्छे से पकड़ उठा ले ठीक है। तो भाई अब हम जा रहे हैं घर की तरफ अपना गेम वेम खेल के। बाकी मैंने वीडियो में तो आपको बता ही दिया सारा प्रोसेस की कैसे कैसे क्या होता है, अगर कुछ इंक्वायरी हो तो आप पूछ लेना। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल नाउ टाटा गुड नाइट बाय बाय।